हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी गजरा बन हेयर स्टाइल, बन बना के उसके ऊपर गजरा कैसे आप लगाओगे। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर करूंगी। क्विकली आप बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, किसी की हेल्प की नीड नहीं है। और ऐसा हेयर स्टाइल आप किसी वेडिंग में, इवन खुद की वेडिंग में भी आप कैरी कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। रिसेप्शन है कोई या कोई भी फंक्शन है, या फिर आप नॉर्मल साड़ी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, लहंगा पहन रहे हो, किसी पर भी ये आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो गजरा। और इन चीज़ों की, मतलब इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, आपके पास कॉम होना चाहिए फर्स्टली, देन आपके पास टिक टैक पिंस या बॉबी पिंस जो भी आपको बालों के लिए सही है वो होना चाहिए। थर्ड, आपके पास हेयर स्प्रे होनी चाहिए ताकि जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं अब वो अच्छे से चिपक जाए बालों पर। तो थर्ड, आपके पास हेयर स्प्रे होना चाहिए। फोर्थ, आपके पास गजरा होना चाहिए। एंड फिफ्थ, आपके पास रबड़ बैंड होने चाहिए ताकि पहले हम पोनीटेल करें और अच्छे से गजरे को फिर उसे फिल कर दें। एंड सिक्स्थ, आपके पास जुड़ा पिंस होने चाहिए। सो छह चीज़ें आपको, सिक्स थिंग्स आपको जरूरी हैं एक बन हेयर स्टाइल के लिए। सो सबसे पहले आपको ये लेकर आप बैठना, अगर वीडियो आप देख रहे हो और साथ साथ में आप ट्राई भी कर सकते हो कैसे बनाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ गिव थम्स अप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना वीडियो। तो बिना ज़्यादा बात किए हुए हम करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट कर लिया है बालों का, और हमें कॉम करना है बालों को पीछे की ओर इस तरीके से। आप कोई भी आगे से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे से ट्विस्ट करूंगी बालों को, नॉट लाइक ट्विस्ट, हल्का सा पीछे लेके जाऊंगी बालों को। अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे लेके जाऊंगी बालों को पीछे। यहाँ से थोड़े से बाल मैंने लिए, बस इतने बाल मैंने पीछे लिए एंड पिन कर दिया है बालों को। सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी करनी है, थोड़े से बाल लेने हैं आपको। सेंटर पार्ट में भी हम जब हेयर स्टाइल बनाते हैं तो कई तरीके से हेयर स्टाइल, लाइक बालों का जो पोजीशन है वो कई तरीके से होती है। एक तो जो सेंटर पार्ट हम करते हैं, एक तो यूं जाएगा हमारा बन, एक हम यूं लेके जा सकते हैं, एक हाफ यूं और हाफ नीचे नीचे की ओर। तो वो अलग तरीके, तो मैंने हाफ वाला ये और देन ये बाल हमारे यूं जाएंगे पीछे। तो ये जो बाल हमारे अभी हवा में उड़ रहे हैं, हम इनको स्प्रे कर देंगे, ऐसे लास्ट में भी करेंगे, पर ये ऑलमोस्ट मेरी फिनिश हो रखी है। हमें पौनी बना लेनी है, पौनी थोड़ी सी टाइट बनाना, यही मेन फोकस है। अगर ये चीज़ आप लूज छोड़ती तो ऑब्वियसली आपका बन खुल सकता है, अगर आप डांस वांस करते हो, मैरिज में बनाते हो। तो इस तरीके से बालों को पहले पौनी कर लेनी है। देन अगर हम इन्हीं बालों को मोड़ कर जुड़ा बनाते हैं, रोल करके जुड़ा बनाएंगे, तो वो पतला सा छोटा सा जुड़ा बनेगा, लेकिन हमें थोड़ा बन बड़ा बनाना है, इसलिए हम पहले बालों को थोड़ा सा रफ करेंगे। और रफ करने के लिए हमें क्या करना है, बालों को इस तरीके से बालों को उलझा देना है, वो भी कॉम से, इस तरीके जैसे हम पफ में यूज करते हैं, थोड़ा फ्लफी कर देना बालों को। और इसके बाद सॉफ्ट हैंड से बालों को टर्न करना है। हमें पहले सिर्फ इतना ही बन बनाना है हाफ तक, और उसको बॉबी पिन से एडजस्ट कर देना है, सॉरी जुड़ा पिन से एडजस्ट करना है, नॉट बॉबी। आप बॉबी वैसे यूज कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल लगती है तो। देन अगेन ट्विस्ट, फिर हमें जुड़ा पिन लगानी है। आई डोंट नो पीछे से कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, बट मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है। तो इस तरीके से आप बन बना लो पहले। अब लास्ट में आपको चाहिए गजरा। गजरा जो है मैंने लेके रखा है यहाँ पर, इस तरीके का गजरा मैंने लिया है, आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने गजरा लिया है, एक साइड पिन लगी हुई है बॉबी पिन एंड दूसरी साइड बॉबी पिन है। ये लेयरिंग है, मेरे पास तीन लेयरिंग है। इससे कोई जो बन पर हमें इस तरीके से रोटेट सर्कल में घुमाना है सारा, तो वो भी बॉबी पिन से हमें एडजस्ट करना है। पिन को अंदर डाल लेना है। अब हमें सारे जुड़े पर इसको पहले घुमाना है। जहां पर पिन लगी थी उससे नीचे ले आना है। ध्यान रखना है, आपको फिंगर से आपको आइडिया हो जाएगा कि गैप तो कहीं नहीं रह रहा, और लेयरिंग में ऊपर भी हमें नहीं लगाना।
कहीं स्पेस कुछ रहा है, सो इस तरीके से आप बन बना सकते हैं। लास्ट में आपको इसे सेटिंग स्प्रे से सेट कर लेने वालों को, आगे जो बाल आपके उठ रहे हैं, ये जो बेबी हेयर्स हैं ये वाले। अच्छा नहीं बना, उसमें थोड़ा सा स्पेस रह गया है। अब वो कंफ्यूज हूँ, वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ। मैंने तो बनाया इतना मत्था मार के, चलो अपलोड कर ही दूंगी जैसे भी है। आप थोड़ा सा ना स्पेस कम छोड़ना, आप मिरर ले लेना आगे, एक ऐसे जब बनाते ना मतलब पीछे रख के मिरर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी जगह छूट रही है। तो भाभी ने थोड़ी सी जगह जो भी थी ना यहाँ पे थोड़ी सी, तो बाल बाहर आ गए, ये जगह नहीं है, बाल बाहर आ गए तो बाल अंदर चले जाएंगे। तो वो जो जगह थी भाभी ने थोड़ा पिन लगा के फिल कर दी। तो अभी भी मेरे पास जूड़ा पिन थोड़ी कम थी, तो वो मुझे अभी और लेके आनी है, तो फिर एडजस्ट करूँगी। नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करूँगी तो बहुत अच्छे से बन हेयर स्टाइल लेकर आऊँगी। तो ये मेरा पहला हेयर स्टाइल वीडियो था मेरे चैनल पर। सो एंड ये मैंने ज्वेलरी पहन ली, माथा पट्टी लगा ली और ईयरिंग्स, और ये स्टाइलिंग वीडियो चल रही है आपको पता हो तो। ये जो रेड साड़ी है इसको मैंने चार तरीके से स्टाइल किया, तीन तरीके से और तीन अलग तरीके से, दो वीडियो मैंने अपलोड करनी है, तो ये देख लेना, कवर पेज यहाँ दे दूंगी, तो मेक श्योर आप देख लेना इन वीडियोज़ को कि कैसे मैंने इनको स्टाइलिंग की है। स्टाइलिंग में मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, अगर वो स्टाइल में अच्छा नहीं हुई तो चलो ओके। तो या एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो नहीं तो फन मिल गया, मतलब आपको मज़ा ही आ गया, तो भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।